आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो राक्षस झील करके एक स्थान आता है मानसरोवर, जिसका पानी का वर्ण आज भी रक्त जैसा है। ये माना जाता है कि दशकंदर ने शिव को प्रसन्न करने के लिए वही तांडव किया था, नृत्य किया था, उसके पादाघातों से वो तालाब बन गया, इसीलिए उसका नाम आज भी राक्षस तालाब है और उसका पानी रक्त वर्ण है। और यही प्रमाण रामायण में आपको मिलता कि जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दशमास, कोई संपत्ति विभीषण नहीं हरषि दिए रघुनाथ। भगवान बलदाऊ कृष्ण ब्रज में पहुंच गए हैं। अब मामा के गांव में तो बच्चे ऐसे ही चंचल हो जाते हैं, माँ माँ दो माँ है ना, यानी दो माँ का प्रेम मिलता है, उसे कहते हैं माँ माँ। जहां दो माँ का प्रेम मिले वहां बच्चे तो थोड़े चंचल चपल हो ही जाते हैं। जा रहे हैं, बलदाऊ ने कहा भैया हमारे तो वस्त्र उस लायक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पास में देखा तो धोबी घाट है। आचार्य जी कहे तो कोई बात नहीं, भांजा तो लेने के लिए होता है, दान मामा से मांग लेंगे। उन्हें क्या पता यहाँ मामा का कुछ अलग ही अभिप्राय होने वाला। जाकर के वहां पहुंचे, कहे धोबी मामा श्रीमत नारायण, प्रणाम किया, वंदन किया, ये वस्त्र दे दो तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा को पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीरा आया संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में ना रहे। ये वो अपार सकता कृष्ण है, वो बेचारा पहचान नहीं सकता, कहता मैं क्यों दू वस्त्र, वाक्य दंड हो जाता है। और भगवान ने एक ही मुष्टिका प्रहार से उसको धरती में आकाशवाणी हुई, भगवान ने उसको मोक्ष की गति दी। आगे जा रहे हैं कुब्जा, कुब्जा का एक ही काम है, रोज कंस के लिए श्रृंगार के लिए चंदन केसर कस्तूरी लेके जाना। भगवान ने कुब्जा का उद्धार करके वो चंदन धारण कर लिया। अब थोड़ा राजनीति की बात कर रहे, हमारे कन्हैया से बड़ा राजनीति कोई नहीं था जी, है ना। और आज भी भारत की कुछ पार्टियां वो पॉलिसी अपना रही हैं। खैर हम बाबा हैं, पार्टी में जाए ना जाए वो बात अलग है, पर है तो सारे मेरे। अभी दिसंबर भारती थे, गुरु हैं हमारे भावी प्रधानमंत्री, तो कहे गुरु जी मिलने से मैं ना मिलूँ उसको, अब जब दोबारा गिरना रहूँगा तब ले आ। भगवान कृष्ण ने कैसी राजनीति की आप भी ध्यान देना। जाते ही पहले धोबी मामा का उद्धार किया, अल्पसंख्यकों का मतदान इकट्ठा कर लिया। तो नरेंद्र जी धोबी मामा का उद्धार किया, उनसे मित्रता की, तो अल्पसंख्यकों का मतदान इकट्ठा कर लिया। दूसरी बात, शत्रु को यह बताना था कि मैं आ रहा हूं, सावधान करना था। कुब्जा से वो चंदन सिंगार लेकर ये बता दिया कि भाई मैं आ रहा हूं, सावधान, ठीक है जी। और कुब्जा का उद्धार करके इन माताओं का प्रेम ले लिया। अब जिनके पास भारत की नारी शक्ति और अल्पसंख्यक आ जाए उसका तो काफी समय बात बनता ही है, तो कृष्ण से बड़ा राजनीतिक कौन है बताओ। आप आज भी पॉलिसी है वही कुछ पार्टियों की,
नरेंद्र जी, अल्पसंख्यक का मत फिक्स है और यह नारी शक्ति जिसके पास आ जाए, जिस पे इन माइयों की कृपा बरस जाए, वो तो ऐसे ही बिजली हो जावे। बहुत फायदा होता है जी, बैनर नहीं लगाना, पोस्टर नहीं लगाना, माउथ टू माउथ एडवर्टाइज इज मोस्ट योर इलेक्शन पीरियड, इट इज कंप्लीटली ओके। एक माई ने कह दिया आज बीजेपी को वोट देना, तो सारी माई ने बीजेपी पे मुहर लगा दी। भगवान ने सबका अपार स्नेह लिया, कुब्जा का उद्धार किया। अब भगवान कंस के मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं। मुख्य द्वार पर स्वागत में मुष्टिक चारुण्य जैसे पहलवान, आजकल लोग बाउंसर रखते हैं ना नेता लोग अपने आजूबाजू में, आजूबाजू में दो तीन बाउंसर रहते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए धन नहीं है, पर बाउंसरों को खिलाने के लिए बहुत धन रहता है।